नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चिरंजीव बाइक पॉइंट पे। दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी है TVS जुपिटर, जिसमें प्रॉब्लम क्या है, हम बैटरी को चार्ज करके बैटरी लगाते हैं तो बैटरी चार्ज जब तक है तब तक गाड़ी चल रही है और बैटरी डाउन हो जा रही है, उसके बाद गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से है। दोस्तों हमारे पास एक जुपिटर गाड़ी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। अब गाड़ी का बैटरी थोड़ा कम चार्ज है, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, हॉर्न दबा के दिखाते हैं, हॉर्न दबाए गाड़ी बंद हो गई। अभी वापस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको, वापस गाड़ी चालू की, हॉर्न दबाए गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी तब तक इसका चल रही जब तक बैटरी डाउन है, बैटरी गाड़ी में लगाते हैं जब तक चार्ज है तब तक चलेगी, चार्ज उतर जाएगा तो बैटरी अपने आप गाड़ी बंद हो जा रही है। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि जो इसको CDI को जब तक बैटरी चार्ज है तभी तक DC सप्लाई मिलता है, जब चार्ज बैटरी ख़त्म हुआ CDI को DC सप्लाई नहीं मिलता है। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं, बैटरी का वायर लगाए हैं, गाड़ी घुमाए, गाड़ी बैटरी का वायर निकाल के आपको दिखाते हैं, बैटरी का वायर निकाल दिया, अभी हो क्या रहा है दोस्तों बैटरी, एक बार और आपको दिखा देते हैं, गाड़ी का वायर लगाएँ, बैटरी का वायर लगा हुआ है अपना, गाड़ी को मैंने किक मारा, गाड़ी स्टार्ट है, निकाल दें गाड़ी बंद। अभी आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका बोनट खोल के निकाल देते हैं, अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम है कि इस तरह आप सही कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है बैटरी को चार्ज नहीं कर रही है, चार्जर जो करंट बैटरी चार्ज करने के लिए आता है जिससे अपनी बैटरी चार्ज होती है, और बैटरी न रहने पर वही वायर से अपनी इग्निशन स्विच में जाकर एक गाड़ी चालू कर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए बैटरी का वायर इधर से गया हुआ है, ये सीधा जाएगा इग्निशन स्विच में, इग्निशन स्विच में वो उसी वायर से ज्वाइंट होकर इधर से आएगा, इधर यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है, यहाँ पर आप ये सॉकेट देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्जर है, यहाँ पर गाड़ी का इधर ये चार्जर लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें दो सॉकेट है, एक ये बैटरी का वाइट कलर का सॉकेट है, ये का इंजन से आया हुआ रेड कलर का सॉकेट है, और ये अभी हम व्हाइट वाला सॉकेट निकालेंगे, इसमें ये रेड वायर लगा हुआ है तो बैटरी से आया हुआ है। दोस्तों ये बैटरी से आता है और ये देखिए, और बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी से आता है, तो बल्ब बैटरी थोड़ा डाउन, इसके बल्ब स्लो जल रहा है, अभी हम चेक करेंगे कि ये सप्लाई चार्जर तक जा रहा है कि नहीं। ये हमने रेड वाले वायर में अपना कनेक्शन लगा रखा है, ये बल्ब का मेन वायर ये बैटरी के मेन वायर में लगा दिया सॉकेट में रेड वाले में, और अर्थिंग लगा के देखते हैं यहाँ पर सप्लाई आ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है, जबकि बैटरी का 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आना चाहिए। अब ये जो रेड वायर है उसमें हम एक वायर लगाएंगे अलग से और उसको डायरेक्ट हम कनेक्शन देंगे बैटरी में और फिर चेक करेंगे क्या होता है। ये मैंने चार्जर का जो मेन वायर है दोस्तों, यही वायर जो है अपना जो है चार्जिंग के लिए बैटरी चार्ज करने के लिए जाता है, और जो बैटरी नहीं रहती तो यहीं से वायर बैटरी को होते हुए रेड वायर अपना इग्निशन स्विच में जाता है, जिससे हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो अपनी CDI को DC सप्लाई मिलने लगता है बगैर बैटरी का भी। अभी एक वायर हम मेन बैटरी से वहां पर जोड़ के दिखाते हैं आपको, बैटरी का वायर, बैटरी वायर चार्जर में मेन वायर है जो बैटरी में गाड़ी बंद नहीं हो रही है, पहले हमारा प्रॉब्लम क्या था, हॉर्न दबाते तुरंत गाड़ी अपनी बंद हो जा रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हम इसका बैटरी का वायर भी निकाल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसमें क्या है कि अपना बैटरी से जो वायर जा रहा है, बैटरी जब चार्ज रहती है तो इग्निशन स्विच तक 12 वोल्ट सप्लाई जा रहा है, लेकिन जो सप्लाई 12 वोल्ट जा रहा है इग्निशन स्विच के, वही वायर अपना चार्जर में भी जाता है बैटरी का, जबकि हम बैटरी जब निकाल देते हैं तो वही चार्जर का सप्लाई इग्निशन स्विच तक जाता है। गाड़ी हार बजा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बैटरी के बारे में कार रखा फिर भी गाड़ी अपनी चल रही है, आप देख सकते हैं। अभी आप दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। दोस्तों हमने DC CDI के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो के एक बार जरूर देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अभी इसको हम बताते हैं वायर, दिखाते हैं आपको वायर को, अभी चार्जर के बारे में चीज़ें देखिए, चार्ज के बारे में खींचा तो ये वायर बाहर पूरा बाहर आ गया, चार्जर का वायर जो बैटरी में कनेक्ट रहता है वो वायर खींचने से बाहर आ गया। अभी हम दिखाते हैं आपको कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से है।
ये देखिए मैंने बोन नीचे का इसका प्लास्टिक खोल रखा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे वायर कटे हुए हैं, जो बैटरी से वायर इग्निशन स्विच तक तो जा रहा है, लेकिन जो बैटरी का वायर इग्निशन स्विच बैटरी का वायर जो चार्जर को जाता है वही वाला वायर कटा हुआ है। आपको दिखाता हूँ इस वायर को, ये देखिए यहाँ से वायर कट गया है। बैटरी से इग्निशन स्विच तक गाड़ी अपना वायर जा रहा है जिससे अपनी गाड़ी चल रही है, लेकिन वही वायर जो आता है अपना चार्जर को जाता है, उस चार्जर को जाने वाला वायर जो चार्जर में जाता है वही वायर कटा हुआ है यहाँ से, क्योंकि जब बैटरी चार्ज रहती तो अपनी गाड़ी चलती है। बैटरी में लगाए बैटरी मैंने चार्ज, अभी हमने टेस्टिंग बैटरी लगा रखा है अपना, ये देख सकते हैं आप। अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर रेड वायर में चार्जर का सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अभी हमने वायर को जोड़ दिया है और आपको दिखाते हैं। अभी ये देखिए हमने वायर को जोड़ दिया और बैटरी का सप्लाई यहाँ तक आने लगा, और अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे प्रॉब्लम हो गया। बैटरी का वायर हम निकाल के बैटरी का वायर निकाल दिया और फिर अपनी गाड़ी चालू हुई। सप्लाई भी नहीं मिल रहा था, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से सही कर सकते हैं।